दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इस सप्ताह की 12 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सितम्बर 2019 के दूसरे सप्ताह की ये 12 बड़ी भर्तियाँ हैं, इनके फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 लाख से ज़्यादा खाली पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इन 12 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी देंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, क्या एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इस सप्ताह की 12 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है महाराष्ट्र पुलिस में। इसमें पुलिस कांस्टेबल और प्रिसन सेफकोई के लिए 3450 खाली पद है, सीली लेवल फर्स्ट के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 वर्ष ओपन कैटेगरी के लिए आयु सीमा है और 18 से 33 वर्ष रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। maapariksha.gov.in इस पोर्टल से आप 23 सितंबर 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में। स्टाफ नर्स ग्रेड ए और ट्यूटर के लिए 9299 खाली पद है। MSc नर्सिंग, डिप्लोमा नर्सिंग में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 21 से 37 वर्ष है। मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा, बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। btsc.bih.nic.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप 26 सितंबर 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है JSSC में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ANM के लिए 1885 खाली पद है। 10वीं सर्टिफिकेट होना चाहिए ANM में तो आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 38 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। JSSC.in इस पोर्टल से आप 4 अक्टूबर 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में। 10वीं 12वीं पास इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 19 से 25 वर्ष आयु सीमा है। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो joinindianarmy.nic.in पोर्टल से 17 अक्टूबर 2019 तक। रैली अटेंड करनी होगी आपको अलग अलग स्टेट में नवंबर 2019 में। पूरी जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में। वर्कर नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर वेरियस खाली पद है। लोको ऑपरेटर ग्रेड 3, स्टोर असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट और लोको अटेंडेंट के यहाँ पर पोस्ट निकली है। 10वीं ITI और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया से nationalfertilizers.com पोर्टल से 20 सितंबर 2019 तक। उसके बाद दोस्तों, जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में। NHM के अंतर्गत स्टाफ नर्स और ANM के 2779 खाली पद है। 12th GNM, ANM और BSc नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो nhmmp.gov.in पोर्टल से। लास्ट डेट 19 सितंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों, जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और BEd अप्लाई कर सकते हैं। 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो ssc.nic.in पोर्टल से 26 सितंबर 2019 तक। उसके बाद दोस्तों, जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड में। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2340 खाली पद है। पोस्ट ग्रेजुएट, BEd और PhD अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 57 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो trb.tn.nic.in पोर्टल से। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 24 सितंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों, जो 9 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर में। पोस्ट है सेंटर मैनेजर, अकाउंट असिस्टेंट, टेक्नीशियन, कैश मैनेजर, कुक कम हेल्पर, ड्राइवर और भी पोस्ट है। सभी के लिए 917 खाली पद है। 8वीं 10वीं डिप्लोमा, BSc BCom और पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 55 वर्ष आयु सीमा है। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम और ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा। मेरिट के आधार पर सीधा चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप ssupsw.in इस पोर्टल से 19 सितंबर 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो 10 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। पटवारी के लिए 588 खाली पद है।
वहीं बात योग्यता की जाए तो ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, 17 से 42 वर्ष आयु सीमा है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो hsc.gov.in पोर्टल से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 सितंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है उत्तर प्रदेश पुलिस में। सब इंस्पेक्टर के 5000 खाली पद है, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 वर्ष आयु सीमा है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 12 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यूपी पुलिस में होमगार्ड के लिए। 19000 खाली पद है, 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी इस सप्ताह की 12 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन करने के लिए भी यहीं पर लिंक दिया गया है, आप सिंपली किसी भर्ती के लिए यहीं से डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।